हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज है रविवार, यानी कि 27 फरवरी। और तो अभी मैं जा रहा हूँ भैया के साथ माधुगंज, फिर वहाँ से अपने घर जाऊँगा। और टाइम हो रहा है शायद 8 बज रहे हैं या 8:30 हो रहे हैं। और आज पापा भी आ रहे हैं, तो करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिएगा ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो लेट्स प्रारंभ। ये देखिए, इन दो प्राणियों को बिना कुछ दिए अकेले अकेले खाए जा रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। और उसकी नजर है सबकी चॉकलेटों पे, अपनी हाथ में पकड़े हुए है उसके बावजूद। और ये दोनों केमिस्ट्री की भाषा में प्यार कर रहे हैं, केमिकल्स का आदान प्रदान, केमिकल्स रिलीज हो रहे तो अभी मैं निकल गया हूँ हरदोई से भैया के साथ। तो भैया मुझे माधोगंज में ड्रॉप कर देंगे और फिर मैं वहाँ से बस लेके निकलूँगा। ये वही नहर है शारदा नहर, जो हमारे गांव में भी पड़ती है। तो अभी यहां से दिखी है, फिर मैं अपने गांव की साइड भी दिखाऊंगा। माधोगंज से मुझे मिल गई है बस, और मैं अब जा रहा हूँ मुरादाबाद। वहाँ से फिर ऑटो या ई रिक्शा लेके घर चलते हैं। तो पहुँच गया हूँ मैं गंज मुरादाबाद, और अभी यहाँ से मैंने ई रिक्शा ले लिया है। तो हमारे भैया जी हैं सुल्ताना भैया, तो इन्हीं के साथ मैं गांव जा रहा हूँ अपने। ये मेरे को गांव तक ड्रॉप करेंगे, तो चलिए आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। Stupid silence, you've been standing right there all alone, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you. तो ये वही नहर है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी जब मैं आ रहा था रास्ते में। और ये इसके साथ ही हमारा गांव है। तो आपने कई सारी वीडियो में ये नहर को देखा होगा, इसका नाम है शारदा नहर। तो फ्रेंड्स, मैं अभी चाचा के घर से आ गया हूँ यहाँ पे दूसरे वाले घर में। और अभी मैं झाड़ू लगा चुका हूँ, साफ सफाई एकदम सेट कर चुका हूँ। जितना झाड़ू लग सकता था उतना लगा दिया, पोछा नहीं लगाया। और पानी पूनी भर के रख दिया। पापा, तरुण और विवेक तीनों लोग शायद 3 या 4 बजे तक आ जाएंगे। और जैसे कि आप सबको पता है, मैं भी सुबह ही 11 साढ़े 11 बजे आ गया था। उसके बाद खाना खाया, वहाँ से भी खा के आया था, यहाँ भी खा लिया थोड़ा सा, और चाय चुई पी चुका हूँ। और बस अभी इंतज़ार हो रहा है कि कब आएंगे वो।
तो जब तक चलते हैं चाचा के घर, वहाँ बैठेंगे, क्योंकि यहाँ मैं अकेला हूँ, क्या ही करूँगा। तो चाचा जी के घर बैठेंगे, और आप बने रहिए ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग में आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है, मिलेगा। तो कंटिन्यू बने रहिए ब्लॉग में। तो आज चाचा जी का और मेरा मछली खाने का उसमें भी मन लेकिन था, और कई ये जैसे मछलियाँ रहते हैं हैं इसमें, प्योर देसी मछलियाँ, जो कि हमें शहर वगैरह में नहीं मिलती हैं। नहीं और एक मछली का नाम है, क्या नाम है, अच्छा गिरई, और दूसरी का नाम पता नहीं क्या है। तो ये वाली मछली हम ले रहे हैं, इसमें कांटे नहीं होते हैं, मतलब एक सिंगल अरे कांटा होता है। तो ये चाचा जी ही इसमें कांटे बनाएंगे, तो नहीं होते और देखो। चलो आप भी हमारे साथ एंजॉय करो। चाचा जी ने मछलियों को एकदम साफ करके उसमें मसाले मसाले लगा के उसे फ्राई कर रहे हैं। तो फ्राई करने के बाद फिर इसे तड़का लगाएंगे। तो अभी तो हो रही है फ्राई, और चलो आप भी देखिए कैसे बनती हैं आज ये फिश। ये है हमारे गांव के पास जो गंज है, वहाँ पे ये दुकान है। यहाँ पे आटा वगैरह पीसा जाता है, मतलब चक्की है, तेल वगैरह आपको एकदम प्योर निकाल के देते हैं। तो मतलब यहाँ पे हर कुछ आपको देसी मिल जाएगा। तो जिस टाइम पे हम मार्केट गए थे सब्जी वगैरह लेने, तो उसी टाइम पे पापा और विवेक तरुण हमें रास्ते में मिल गए थे। तो पापा वगैरह का खाना सब बन चुका है, क्योंकि मैं तो फिश खाऊंगा, ये लोग कोई भी नहीं खाएंगे नॉनवेज। तो ये पापा और विवेक और तरुण वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं। Even though you don't wanna say it, even saying it softly with no words, you whisper with your eyes. I'm waiting for you, just waiting for you to give it enough, give it enough, give it enough, give it enough. No, I'm begging for you, just waiting for.